शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या? ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला जाता है एग्जाम में, क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर जरूर देता ही है। हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्म में दे दे, हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे दे। कार्टेशियन फॉर्म का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। ये जो वीडियो है आपका वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में दो लाइन हम लोग को दिए हुए रहेंगे, ठीक है। दोनों से हम लोग क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, मतलब जो शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस होगा तो उसी को निकालना है, ठीक है। तो इसको मैंने जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शुरू वाला ए1 वेक्टर हो गया, ये बी1 वेक्टर हो गया, ये ए2 वेक्टर हो गया, ये बी2 वेक्टर हो गया, ठीक है। वही चीज का यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ए2 माइनस ए1 हो जाता है, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग बी1 क्रॉस बी2 के साथ, ठीक है। और बाय में क्या हो जाएगा, बी1 क्रॉस बी2 का मॉडुलस। तो आई होप कि आप लोग को ये फॉर्मूला पहले से पता है, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी के हेल्प से अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन, तो यहां से हम लोग जो जनरल फॉर्म था उससे इक्वेशन करेंगे। तो हम लोग का जनरल फॉर्म क्या था भाई, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस विथ, ठीक है, किसे कंपेयर करना है, आर वेक्टर को, ए1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी1 वेक्टर, ठीक है। उसी प्रकार से जो हम लोग का आर वेक्टर है दूसरा वाला, उससे हम लोग ए2 वेक्टर हो जाएगा प्लस म्यू लगेगा यहाँ पे और बी2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को ए1 का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब ए1 वेक्टर का वैल्यू, शुरू वाला हम लोग का ए1 वेक्टर हो जाएगा 6i प्लस 2j प्लस में 2k। उसी प्रकार से हम लोग का ए2 वेक्टर भी निकल जाएगा। ए2 वेक्टर क्या है भाई, ए2 वेक्टर ये नीचे वाला माइनस 4i माइनस में k, जे वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए था, B1 वेक्टर चाहिए। B1 वेक्टर क्या है, B1 यहाँ पे ऊपर में जो है लेमडा के साथ, ठीक है, I माइनस मतलब I कैप बोलेंगे, 2J कैप बोलेंगे प्लस 2K कैप बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का जो B2 है, B2 वेक्टर वो क्या हो जाएगा हम लोग का 3I कैप माइनस 2J कैप माइनस 2K कैप, ठीक है ना। तो हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला था हम लोग का A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। पहले तो माइनस करना है, फिर उसी को डॉट करना है किससे, B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है, और बाय में मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, यही था हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला वही था, हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो फॉर्मूला में हम लोग को सबसे पहला काम क्या है, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना। तो हम लोग A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं। नाउ A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, A2 हम लोग का माइनस 4i, ठीक है। इससे अगर हम इसको माइनस करें, एक बार लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4i माइनस k, ठीक है। इससे हम लोग को माइनस करना है 6i माइनस नहीं है प्लस है 2j फिर प्लस में 2k। तो इसको जैसे आप माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस 4 फिर माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस में 10i, जे वाला तो यहाँ है नहीं, फिर माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस 2j। अब के वाला यहाँ माइनस में है और यहाँ फिर से आपका माइनस बन जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस में 3k। तो A2 माइनस A1 आप लोगों ने निकाल लिया। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस हम लोग B2 निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, तो इसका फॉर्मूला आपको पहले से पता है, कैसे निकालते हैं, I कैप J कैप और इधर में क्या लिखते हैं हम लोग K कैप। I का नीचे हम लोग क्या रहता है, यहाँ पे रहेगा A1, ठीक है, B1 क्रॉस B2 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ B1 हम लोग का यहाँ पे है, यहाँ क्या हो जाएगा भाई 1, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे क्या है 2। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका में क्या है 3 फिर माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे फिर माइनस 2 फिर से, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया है। अब उसके बाद
आगे हम लोग ध्यान देंगे इसको लिखते कैसे, यहाँ पे आई लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद माइनस टू इंटू माइनस टू, तो ये फोर हो जाएगा हम लोग का, फिर माइनस लगाएंगे माइनस टू इंटू फिर से टू, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस बन जाएगा, टू टू जो हो जाएगा फोर, फिर प्लस यहाँ पे हम लोग जे कैप लिखेंगे और साथ ही साथ सॉरी ये लाइन हट गया, ये लाइन हट गया, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका माइनस टू। अच्छा यहाँ पे ये माइनस लगेगा आपका, ठीक है, जे यहाँ प्लस लगता है, यहाँ वाला में माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस लगा लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये माइनस टू हो गया, फिर थ्री टू जा, फिर माइनस में सिक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस में यहाँ पे के कैप करेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तबका वन इंटू माइनस टू तो माइनस टू हो जाएगा, फिर से माइनस लगाएंगे, थ्री टू जा माइनस सिक्स, और उस माइनस से ये प्लस में सिक्स हो जाएगा, तबका ये क्या हो गया फोर प्लस फोर एट आई, ठीक है, माइनस सिक्स माइनस टू प्लस माइनस एट हो गया, माइनस एट इंटू माइनस जे तो प्लस में एट जे, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस जरूरी नहीं है, सिक्स माइनस टू तो फोर हो जाएगा, फोर इंटू प्लस में फोर के, तो अब यहाँ पे हम लोग फोर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी वन क्रॉस बी टू भी आ गया है, ठीक है, बी वन क्रॉस बी टू के बाद आप इसका मॉडुलस भी मतलब मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एट का स्क्वायर 64, फिर एट का स्क्वायर 64, फिर फोर का स्क्वायर 16, सभी को ऐड करिए 64 64, 128 128 प्लस 16 144, तो रूट अंडर 144 कितना होता है, ये होता है 12, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ठीक है, तो फॉर्मूला जब मैंने लिख ही रखा है तो क्या करना है, इसको इसी में पुट अप कर देना है। ए टू माइनस ए वन कितना आया था भाई, ए टू माइनस ए वन आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस टेन आई माइनस टू जे माइनस में थ्री के, ठीक है, डॉट करना है किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू के साथ, तो बी वन क्रॉस बी टू हम लोग का एट आई एट जे और फोर के, एट आई कैप प्लस में एट जे कैप, ठीक है, फिर प्लस में फोर के कैप, ठीक है, और इस पूरे का मॉडुलस, और बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस कितना आया है भाई 12, ठीक है। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस टेन इंटू एट तो माइनस में 80, माइनस टू इंटू माइनस एट तो माइनस में 16, फिर माइनस थ्री इंटू फोर तो माइनस में 12, ठीक है, बाय में 12, ऊपर वाला सब माइनस में इसलिए ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद 86 96 ये हो जाएगा माइनस में 108 बाय में 12, ठीक है, मॉडुलस की वजह से माइनस हट जाएगा, बच जाएगा हम लोग का 108 बाय में 12, ये 12 वन जा 12, 12 नाइन जा 108, तो हम लोग का कितना आ गया 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते, साथ ही साथ इस तरह का वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हाँ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को खुशी मिले, ठीक है, आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट जो आता है ना दिल को खुश कर देता है, तो प्यारा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, एक प्यारा कमेंट जरूर कर दे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.